गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अविनीति डायरीज। मैं खा रही थी ये, तो आज हम लोग मॉर्निंग से बहुत कुछ प्लान किए थे। हम लोग डिसाइड किए थे कहीं जाएंगे आज, बट अल्टीमेटली कहीं जाना हुआ नहीं आज हम लोग का। तो हम लोग सोचे कि घर पे बैठने से अच्छा है कि कहीं छोटा सा कोई जगह पे जाए और एक्सप्लोर करें। तो वैंकूवर में ही एक जगह है कैनेडा प्लेस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और बहुत पॉश एरिया है। तो वहाँ पर हम लोग आज जाएंगे और वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले हम लोग को लग गई है बहुत ज़ोर की भूख और हम लोग को करना है पेट पूजा। तो हम लोग डिसाइड किए कि आज कुकिंग घर पे नहीं, आज बाहर लंच करेंगे। हम लोग के यहाँ पे साइड से जाएंगे तो सामने ही एक पास्ता शॉप है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पास्ता मिलता है। तो हम लोग आज जाएंगे वो उसी पास्ता शॉप में लंच करने के लिए। तो चलिए पहले जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं, चल के कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं कैनेडा प्लेस। हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में और जहाँ पे सोचे थे हम लोग आज लंच करेंगे, वो लंच का रेस्टोरेंट बंद है। ये 5 o'clock ओपन होगी, 5 to 10:30। ओ गॉड, अभी कहाँ पे खाना खाएंगे, बहुत ज़ोर का भूख लग गया है। क्या प्लान है अभी? चलो ट्रेन से चलते हैं। हम लोग को लगता है वहीं पे जाके कुछ ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए। आ जाइए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं करी जापानी स्टाइल लूँ। सो हम लोग इतना ज़्यादा हंगरी हो गए थे कि हम लोग को लगा कि यहीं पे कुछ लंच कर लेते हैं। तो हम लोग का घर के सामने जो मेट्रोपॉलिस मॉल है, हम लोग वहीं पे हैं फूड कोर्ट में। तो मैं ली हूँ यहाँ पे, बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, नूडल्स है, साथ में हनी गार्लिक चिकन एंड पेपर चिकन है। और अविक ने शायद अपने लिए जापनीज लिया है। तो मेरा जो डिश है टेरियाकी चिकन विद राइस, ये जापनीज डिश है, बहुत यम्मी टेस्ट है। मैंने लास्ट बार भी ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था। इस बार में भी सोच रहा था और एक बार ट्राई कर लूँ। मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है अभी। ये लड़का जापान में रह के जापानीज बन गया है, बहुत अच्छा है। मेरा ये हनी गार्लिक ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे है हनी गार्लिक, दिस इज हनी गार्लिक चिकन। टेस्टी है ना? बहुत अच्छा है। तो हम लोग ले लिए हैं वाटरफ्रंट जाने की टिकट। तो हम लोग को जाना पड़ेगा वाटरफ्रंट स्टेशन यहाँ से, और वहाँ से 700 मीटर है शायद, तो वॉक करके हम लोग जाएंगे कैनेडा प्लेस तक। तो चलिए, ट्रेन अभी आने वाली है 2-3 मिनट्स में, तो चलते हैं वाटरफ्रंट स्टेशन। मुझे मिल गई है ड्राइवर वाली सीट, आई मीन जहाँ पे यूजुअली ड्राइवर बैठती है वहाँ पे, यहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं इस ट्रेन में। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है, जैसे आप देख सकते हो अभी तो टनल के अंदर आ चुका है, बट जब ये ट्रेन बाहर रहती है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अभी हम लोग टनल के अंदर से जा रहे हैं, बट ये सीट में बैठने की मज़ा ही कुछ अलग रहती है। हम लोग यहाँ पे थे मेट्रो टाउन, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफ्रंट। अभी हम लोग हैं वाटरफ्रंट स्टेशन में और हम लोग को जाना है कैनेडा प्लेस। और यहाँ पे सामने से आप देख पा रहे हो पैन पैसिफिक होटल है यहाँ पे, यहाँ पे वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर है, और यहाँ पे है वैंकूवर हार्बर वाटर एयरपोर्ट, जहाँ से सी प्लेन्स जो है वो सारे छोड़ती है। और फिर ये ग्रैंड विले स्क्वायर है,
सो हम लोग ये पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं ये वाला जगह. हम लोग इस वाले कोल हार्बर वाला एरिया में भी गए थे पहले, जहाँ पे हम लोग स्टैनली पार्क करके जगह है वो भी कवर किए थे. तो अभी हम लोग आज जहाँ पे जाने वाले हैं वाटरफ्रंट स्टेशन से कैनाडा प्लेस. और ये देखिए स्टीम क्लॉक गैस टाउन लिखा हुआ है, और ये है स्टीम क्लॉक जिसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने अविलिनी डायरीज में. तो आप लोग जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए. तो चलिए हम लोग को ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कौन सी वाली एग्जिट है. सो मेरे सामने ही है कैनाडा प्लेस, हम लोग इतना देर से ढूंढ रहे थे, तो यही है कैनाडा प्लेस. ये है कैनाडा प्लेस, आप देख पा रहे हो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम एक शिप के जैसा देखने में लगता है. तो ये अपने यूनिक स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस है, और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस हैं. तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे अंदर, चल के हम लोग देखेंगे. तो यहाँ से देखने में कैनाडा प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. ये जगह जो है बहुत ही प्यारी है, और यहाँ पे आके आप एक अच्छा सा इवनिंग स्पेंड कर सकते हो. सो मैं अभी खड़ी हूँ कैनाडा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने. तो ये मेरे पीछे आपको दिख रही होगी कैनाडा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, जो कि वैंकूवर में है. ये है पैन पैसिफिक होटल, जो कि बहुत बड़ा चेन ऑफ होटल है, वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर. यहाँ का जो पोर्ट है, यहाँ की पोर्ट से वैंकूवर टू अलास्का की क्रूज छोड़ती है. तो हम लोग अभी है कैनाडा प्लेस में, और आप पीछे देख रहे हो बहुत सुंदर माउंटेन रेंजेस है. और ये कैनाडा प्लेस बहुत ही फेमस है कैनाडा में. अगर आपको वीकेंड मिल जाए और इतना सनी वेदर है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बी इन. रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, आप कहीं भी खा सकते हो. ये लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1983 में बनना शुरू हुआ था, 1985 में बन के कम्प्लीट हुआ था, और 1986 में ओपन हुआ था. $510 मिलियन का कैनेडियन डॉलर कॉस्ट लगा इस जगह को बनने में. दिस हैज़ टू बी इन योर बकेट लिस्ट इफ़ यू आर इन कैनाडा. कनाडा में 10 प्रोविंसेस 3 टेरिटरीज है, तो आपका हर प्रोविंस का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा. मेरे पीछे आपको एक क्रूज़ दिख रही है. हम लोग को पता नहीं है कि ये अलास्का जाने वाली क्रूज़ है कि नहीं, बट ये क्रूज़ जो है बहुत बड़ा क्रूज़ है, और हम लोग यहाँ से व्यू का मज़ा ले रहे हैं. यहाँ पे तो एक इवनिंग स्पेंड करने के लिए सबसे आइडियल जगह है. मुझे तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है. इवनिंग 7:30 हो रहा है अभी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है. तो यहाँ से सी प्लेन्स भी हम लोग को दिख रही है, यहाँ से टेक ऑफ हो रही है और लैंड कर रही है. मैं तो अभी तक क्रूज़ पे कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं टाइटैनिक मूवी देखी थी, तो वहाँ पे मुझे क्रूज़ का थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि अंदर पे कैसा होता है. ये क्रूज़
जो सामने से मैं देख रही हूँ यहाँ पे पूरा दिख रहा है क्रूज़ के अंदर। तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे रूम्स दिख रहा है कि रूम डिफरेंट कैटेगरी का रूम दिख रहा है, कुछ शायद लग्जूरियस रूम है और कुछ यहाँ पे है जो कि बेसिक रूम है, एक बेड है और एक टेबल है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है क्रूज़ के अंदर। सो एनी वे, दिस क्रूज़ इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मुझे पता नहीं है ये क्रूज़ कहाँ जाती है। अभी को बहुत मन है क्रूज़ ट्रैवल करने का एक बार, बट आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ सी, तो मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी क्या या नहीं। बट एनी वे, देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी मौका मिला तो शायद करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं कनाडा प्लेस के ऑपोजिट साइड में। तो कनाडा प्लेस मेरे जस्ट सामने है और मेरे पीछे आपको बहुत सारी ईटरीज दिख रही है। तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ट्राई कर सकते हो। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाइम हो गया है 8:30, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से वापस चला जाए। बहुत लेट हो चुका है बट अभी तक सनसेट नहीं हुई है। सो एनीवे, कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा कुछ ड्रिंक्स पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आज काफ़ी गर्मी थी, तो हम लोग का एकदम एनर्जी पूरा ड्रेन आउट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हम लोग का चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो अभी नैनी डायरीज विल रिटर्न with another destination with another vlog.